आज हम बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चिकन के 2 लेग पीस लगेंगे, जिसे हमें धोकर अच्छी तरह उस पर चक्कू के हेल्प से चीरा लगाना होगा। चीरा ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है, छोटे छोटे चीरे लगाने हैं, जिससे जो हम नमक हल्दी या मसाला डालते हैं वो अंदर तक उसका ये हो जाए। अब उसके ऊपर हम नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। आधा नींबू निचोड़ के डालेंगे हम, नींबू का रस। इसके बाद इस पे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। इसके बाद इस पर हम थोड़ा हल्दी डालेंगे। इसके बाद रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर आटा डालेंगे 1 चम्मच। अब इसे हमें अच्छी तरह मिला लेना है और पूरा फैला लेना है इस पे चारों तरफ लगाकर। ये लगाने के बाद अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद इसे हमें 2 घंटे के लिए ढककर साइड में रख देना है। 2 घंटे बाद इसे हमें एक बार वापस से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। कढ़ाई में हम तेल डालकर इसे गरम कर लेंगे। यदि ये आपका अगर थोड़ा सा सूखा हो तो उसमें हम ऊपर से थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर आटा डाल सकते हैं, या फिर आप रवा भी डाल सकते हैं इसके लिए। अब इसे हमें डीप फ्राई करना होगा। गैस की आंच हमें स्लो ही रखनी है, स्लो पर ही करना है पहले। और इसे हमें फोक और चम्मच की हेल्प से दोनों बाजू अच्छी तरह पलटकर इसे सेक लेना है, डीप फ्राई करना है। इसे हमें ढकना नहीं है, ओपन करके ही हमें डीप फ्राई करना है। देखिए ये हमारा डीप फ्राई हो गया है चिकन लॉलीपॉप। अब इसे हम गरम गरम सर्व कर सकते हैं। इसका तेल हमें अच्छी तरह निथार लेना है। आप इसे अब सॉस या चिली सॉस से भी इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही स्टार्टर के रूप में अच्छा लगेगा।